पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा, पैदल चल रहे राहुल गांधी को बुलेट प्रूफ शील्ड से कवर किया, किसान के घर चाय पी। पंजाब में दूसरे दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। राहुल गांधी की यात्रा आज समराला चौक के लिए निकली। उनके साथ पंजाब प्रदेश के कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग व पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी दिख रहे हैं। यात्रा के बाद राहुल गांधी दिल्ली लौट जाएंगे। कल लोहड़ी की वजह से यात्रा नहीं होगी। पंजाब में यात्रा के दूसरे दिन भी बदलाव किया गया। सुरक्षा कारणों के चलते सुबह स्टार्ट पॉइंट को जसपालों से 1 किलोमीटर आगे कच्छो चौक और समय 7 बजे से किया गया। आज इवनिंग वॉक को नहीं रखा गया है। राहुल गांधी आज अपने पुराने रंग टी शर्ट व बिना पगड़ी के ही दिखे। 9 बजे राहुल गांधी ने पहली टी ब्रेक ली। वह एक साधारण किसान कर्म सिंह के घर पहुंचे, जो सहानेवाल के गांव नंदपुर के रहने वाले हैं। टी ब्रेक के बाद 9:40 पर राहुल गांधी ने फिर से यात्रा को शुरू कर दिया है। यात्रा शुरू होने से पहले 1984 के दंगा पीड़ितों को लुधियाना में नजरबंद कर दिया गया है। सूचना के अनुसार दंगा पीड़ितों को बस्सी कॉलोनी CRP दुगरी में नजरबंद किया है। बुधवार ही दंगा व 1947 बंटवारे के पीड़ितों का एक नोटिस कांग्रेस ऑफिस के बाहर चिपका रोष जाहिर किया गया था, जिसके बाद सतर्कता के चलते यह कदम उठाया गया है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।